हाल है, कैसे हैं सब, उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ, अल्लाह पाक का लाख लाख शुक्र है। अभी मैं मस्जिद नबवी में हूँ, मैंने नमाज़ पढ़ी है, अभी दो रकअत नफिल पढ़ी है, तो अभी हम सफ़र के लिए निकलेंगे। और मैंने दुआएँ की हैं दिलबर बाबर के लिए, नैना के लिए, शाहरुख के लिए और सलमा के लिए, सलमा के बच्चों के लिए। अल्लाह पाक सबको खुश रखे, हंसते मुस्कुराते रहें सब मेरे बहन भाई बच्चे, सब हमेशा खुश रहें, आमीन। फूफो और अम्मी ने पता नहीं क्यों मेहंदी लगाई, क्यों लगाई हुई मेहंदी, अच्छी लग रही है, अच्छी तो लग रही है माशाल्लाह से। आपको नहीं पता क्यों लगाई, अल्लाह ताला घर को हाथ लगाओगे इसलिए, ऐसे हाथ लगाऊंगी ना इसलिए, तो मैंने मेहंदी लगाई है इसलिए लगाई है। मैं तो अपने मैं तो अपनी उंगलियों के अपनी स्किन से हाथ लगाना चाहती हूँ, कहती हूँ ऐसे लगाऊ हाथ, नहीं मेहंदी इसलिए लगाई है मैं, जो वैसे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पसंद थी मेहंदी बहुत ज्यादा, मेहंदी का सवाब है। और जो मुझे जब बहुत ज्यादा मैं खुश होती हूँ तो मेहंदी लगाती हूँ, तो इसलिए मैंने मेहंदी सुबह सुबह उठ के लगाई है, तो मैं उम्रा करूंगी और मेहंदी लगाई है और सब हम प्यार है और बहुत खुश हूँ मैं। अभी मैं जा रही हूँ मस्जिद नबवी, वहाँ जाके मैं दो रकअत नफिल पढ़ूंगी, फिर मैं नमाज पढ़ूंगी अपनी नमाज पढ़ के, फिर मैं आऊंगी, फिर हम जाएंगे उम्रा के लिए। तो सब हमारे लिए दुआएं कीजिए कि खैर खैरियत से उम्रा करें और खैरियत से वापस आए, और सबके लिए हम भी बहुत सारी दुआएं करेंगे। ठीक है, आमीन आमीन। बाजी जो है अपनी देख सकते हैं कि किस तरीके से पिन लगाई, कि अभी थोड़ी सी और ऊपर होगी और कान के अंदर जाके लेगी। और मलाकों ने हमारी जितना हंसब तोफिक शोर किया हुआ था कि हमारी वीडियो जो है बिल्कुल भी सही ना बन सके। मलाकों के पाँव इतने सोफ जैसे बिल्कुल स्लाइम स्लाइम क्यूट है ना माशाल्लाह। आज जब आप लोग इसका फेस रिव्यू लोगो ना, आप लोग जब देखोगे ना बोलोगे माशाल्लाह माशाल्लाह। अभी हम जा रहे हैं मस्जिद नबवी और वहाँ पे जाके नमाज़ पढ़ेंगे, फिर इसके बाद हम तैयारी करते हैं उम्रा करने के लिए जाएंगे। फूफो और मैं जा रहे नमाज़ पढ़ेंगे, इसके बाद दो रकअत नफिल पढ़ेंगे, फिर हम अपने सफ़र को निकलेंगे। हम जा रहे फूफो और मैं जा रहे हरम शरीफ, दो रकअत नफिल पढ़ेंगे, नमाज़ पढ़ेंगे, फिर हम जाएंगे उम्रा के लिए। तो सब बच्चे तैयार हो रहे हैं, नैना बच्चे सब, तो अभी हम अपने सफ़र के लिए तैयारियां कर रहे हैं, अब जा रहे हैं इंशाल्लाह, खैर खैरियत से जाएं और खैरियत से आएं। अल्लाह पाक सबको ले जाए उम्रा के लिए और अल्लाह पाक सबको खुश रखे, आमीन। तो अभी हम जा रहे हैं, लेफ्ट से जा रहे हैं और अभी हम हरम शरीफ जा रहे हैं। अभी मैं उतरूंगी, चले आ जा। फूफो और मैं जा रहे हैं सामने हरम शरीफ है, तो अभी हम पहुंच गए हैं। अभी फूफो और मैं रोड क्रॉस करेंगे, अभी आज हम पैदल जा रहे हैं क्योंकि सब अपनी तैयारियों में लगे हुए हैं, तो मैं और फूफो पैदल जा रहे हैं कि हम नमाज भी पढ़ लेंगे, दो रकअत नफिल भी पढ़ लेंगे, तो अभी हम पैदल जा रहे हैं। सबके लिए शकीला अहमद के लिए मैंने दुआ की है, अल्लाह पाक उसको खुश रखे और उसके बच्चों को हमेशा हंसता मुस्कुराता रखे और नेक बनाए, और शकीला अहमद भी हमेशा खुश रहे। और सबके लिए जितने लोगों ने दुआ के लिए बोला था, मैंने सबके लिए दुआएँ की हैं, बहुत सारी दुआएँ की, अल्लाह पाक सबकी परेशानियाँ दूर करें, हमेशा खुश रहें। और मदीना की और मक्का की ज़ियारत अल्लाह पाक उनको नसीब फरमाए, आमीन। अजान में कर रही हूँ,
इतने प्यारे कुरान पाक रखे हुए हैं और सब उठा के यहाँ से पढ़ रहे हैं। और मस्जिद नबी देखे माशाल्लाह इतनी प्यारी लग रही है, बहुत ही प्यारी मस्जिद नबी है। हाँ नहीं, हाँ दरवाजे हम आए हैं रोजा रसूल के सामने खड़े आए थे। सामने रोजा है अभी, देखे मस्जिद नबी की सफाई हो रही है बाहर सहन में। यहाँ पे हरम शरीफ की सफाई हो रही है, अभी बाहर सहन में सफाई हो रही है, फिर मगरिब की नमाज होगी। लिफ्ट खराब हो गई है तो हम सीढ़ियों से जा रहे हैं ऊपर, क्योंकि लिफ्ट खराब हो चुकी है। और अब सुबह से ऊपर हमारा बिल्कुल करीब है तो अभी हम वापस जा रहे हैं।
घर जाकर देखते हैं कि बच्चों ने सबने तैयारी कर ली है, सबकी तैयारियां हो गई हैं। फिर हम मैं और पुप्पो तैयारी करेंगे, बाकी सबने कर ली है। और सबने बोला था हम तैयारियां करते, तो अभी हमारी रहती है बस, नमाज हो गई है, तो अभी हम जाते हैं अपनी तैयारी करते हैं। हम घर आ गए हैं और चाय बनाई है मैंने अपने लिए और पुप्पो के लिए, तो मज़ेदार सी चाय अभी पीते हैं, बैठते हैं, जो भी होगा आपके साथ शेयर करते रहेंगे। हम सब ने जो है अबाया पहन लिए हैं वाइट कलर के, देखे माशाल्लाह हम सब पे इतने ज़्यादा खूबसूरत लग रहे हैं। मुझे देख के ना दिल कर रहे हैं, हम सब जो है हमेशा ऐसे ही कपड़ों में रहे, मतलब हम सब जो है एक जैसे कपड़े पहना कर अभी हम जा रहे हैं सब। और मोना जो है वो समूलियाँ बना रही है और नीचे तैयारी हो रही है। और शर्मा जी हम लोग भी मेहंदी लगाते ना, देखो कैसे लगाई मेहंदी लगाई, हम लोग भी लगाते ना। चलो नेक्स्ट टाइम जब हम लोग जाएंगे उमरा पे, तो हम लोग फिर आएंगे ना, अभी हम लोग फिर से, अभी हम लोग का प्लान है। और तो फिर जब फिर आएंगे ना, तो फिर हम लोग इंशाल्लाह मेहंदी लगाएंगे, ठीक है। अभी देखे सब आ गए हैं और अभी हम जा रहे हैं, सब तैयार है, सामान रख रहे हैं हम अपना, और मलाक का भी है और सब है। भाई चले नैना, तुम क्यों, तुम्हें क्या मसला है बताओ? क्यों मैंने कहा चुप करके बैठना, बोलना नहीं है। अब मोना भी आ गई है, सब आ गए हैं। इधर सही लग रही है, बहुत अच्छी लग रही है। और पुप्पो ओ बुआ इन्हें तो कपड़ा दे, मैं वीडियो बनाती हूँ। और पुप्पो भी इधर खड़ी है, मुस्तफा है, सब जा रहे हैं उमरा के लिए। पेट तो ऐसे तो निकला हुआ है, ये देखो ये देखो वाइट बुरके, वाइट टैंकी, टैंकी भी वाइट है, जैसे नाल खड़ा है ना। अभी हम जा रहे हैं मस्जिद मीकात, पहुंच गए हैं और वहां पे हम दो रकात नफल पढ़ेंगे और इसके बाद जो है ना हम आगे जाएंगे। आगे मेरी पुप्पो जा रही है, मोना जा रही है और चाचा जा रहे हैं और हानिया जा रही है, सब जा रहे हैं। और पीछे वो सलमा है, असगर है और नैना, तमन्ना और मुस्तफ़ा हैं। यहाँ पे ये सब आ रही हैं, नैना, तमन्ना, सलमा, मुस्तफ़ा सब आ रहे हैं। यहाँ पे देखिए इतना प्यारी जगह है, फूल है, यहाँ पे पैजल है, बहुत प्यारी जगह है। तो अभी हम दो रकात नफिल पढ़ेंगे, उम्रा की नियत करेंगे,
फिर हम आगे चलते हैं, तो आप लोगों के साथ शेयर करते रहेंगे। हमारा उम्रा हो रहा है जैसे भी, तो आप लोगों के साथ शेयर करते रहेंगे हम। अभी सब इधर दो रकात नफिल पढ़ रहे हैं और फूफो ने भी पढ़ ली है, मैंने भी पढ़ ली है, दो रकात नफिल पढ़ रही है। तो अभी हम जाएंगे उम्रा के लिए आगे। अभी हम मस्जिद उल मिकात में हैं, आगे चलते हैं। अपने नफिल पढ़ लिए हैं और अभी हम उम्रा के लिए जा रहे हैं। वल नेमत वल मुल्क ला शरीक लक लबैक अल्लाहुम्मा लबैक इन्नल हमदा वल नेमत लक वल मुल्क लबैक अल्लाहुम्मा लबैक لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك आज का व्लॉग अपनी यहीं पे एंड करते हैं। उम्मीद करती हूँ अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।